ओके तो और मेरे भाई लोग कैसा, तुम फिर से बोल चुके हो आप लोगों के लिए बीजीएमआई की और भी एक कमाल की वीडियो लेकर। और सबसे पहले भाई साहब आप सभी लोगों को थैंक यू 40K कंप्लीट करवाने के लिए। अब देखो भाई साहब 40K तो कंप्लीट हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाए। बहुत देर सोचने के बाद भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना भाई जिगल ट्रेसिंग के ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। अब भाई परफेक्ट जिगल कैसे मारना है, उसके बाद अनएक्सपेक्टेड जिगल कैसे मारना है, ये सब तो मैंने भाई आप लोगों को बता दिया, लेकिन ये चीज मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि भाई जिगल को कैसे आप लोगों को ट्रेस करना है। सामने वाले बंदे का जिगल चाहे लॉन्ग हो चाहे फोटो, किस तरीके से भाई आप क्रॉसियर के मदद से भाई उसको ट्रेस कर सकते हो। अब भाई देखो ये वाला टॉपिक बोलने में जितना आसानी है ना, समझाने में भाई उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब भाई समझ रहे हो ना, जिगल ट्रेसिंग मतलब एक ऐसा काम, क्या ही बताओ आप लोगों को, बताना है तो वैसा पूरी रात बता सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि छोटे से छोटे वीडियो बना के ठीक है आप लोगों को समझा सकूं। अब भाई मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों को कितना समझा पाऊंगा, बट हां इस वीडियो में आप लोगों को 1.5 के लाइक कंप्लीट करवा देना है, ठीक है। तो सारे भाई मिलकर फटाफट से वीडियो में एक एक लाइक कर दो, तो ज्यादा टाइम भाई यहां पे वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब भाई वीडियो तो मैंने स्टार्ट कर दिया, अब भाई धीरे धीरे भाई पॉइंट की तरफ भी बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो होने वाला है भाई सेंसिटिविटी, क्योंकि भाई हमारा सेंसिटिविटी मेन रोल प्ले करेगा भाई सब क्लोज रेंज में। ध्यान आप लोगों को किस चीज का रखना है, आप लोगों को चले जाना है सेंसिटिविटी में। यहाँ पे भाई आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, एक होगा स्क्रीन एक होगा भाई जायरोस्कोप। अगर भाई आप नॉन जायरो प्लेयर हो तब भाई आप लोगों को स्क्रीन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है कि कैमरा सेंसिटिविटी और एडीएस सेंसिटिविटी भाई दोनों इक्वल है कि नहीं। अब भाई सब सेम चीज जायरो प्लेयर के लिए भी होने वाला है, यहाँ पे आप लोगों को सेम चीज चेक करना है कि कैमरा और एडीएस सेंसिटिविटी भाई सब दोनों इक्वल है कि नहीं। क्योंकि भाई साहब चाहे आप विदाउट फायर भाई बंदे को ट्रेस करो, चाहे भाई आप फायर करते हुए बंदे को ट्रेस करो, ये दोनों सेंसिटिविटी भाई वहां पे मेन रोल प्ले करने वाला है। अब यहाँ पे भाई साहब हमारा पॉइंट नंबर 1 खत्म हो जाता है। अब पॉइंट नंबर 2 का नाम क्या दूं भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। अब मैंने भाई डिसाइड कर लिया कि पॉइंट नंबर 2 का मैं भाई कोई भी नाम नहीं दूंगा, लेकिन पॉइंट नंबर 2 में जो जो चीज मैं भाई लोग आप लोगों को समझाऊंगा वो सारे के सारे चीज अगर भाई साहब आप समझ जाते हो, ठीक है, सामने वाला बंदा जितना मर्जी उतना जिगल क्यों ना दे दे, आप बहुत ही ज्यादा इजीली तरीके से उसको ट्रेस कर लोगे। अब देखो ये भाई साहब एक कवर है, ठीक है, आप कवर के इस साइड हो, सामने वाला बंदा भाई कवर के उस साइड है। अब भाई साहब कवर के इस साइड से, ठीक है, बंदे को डैमेज देते हुए आप भाई जॉयस्टिक को लेफ्ट की तरफ ही खींचोगे ना, बताओ ये चीज। 90% बंदा भाई ऐसा ही करता है मेरे को जहां तक पता है। तो भाई सेम चीज सामने वाले बंदे के लिए भी है, ठीक है, अगर सामने वाला बंदा इस साइड में रहता है वो भी भाई डैमेज देते हुए हमेशा जॉयस्टिक को लेफ्ट की तरफ ही खींचेगा। अब देखो आजकल भाई ज्यादातर फाइट कवर टू कवर ही होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एयर ड्रॉप से भाई दो बंदा पटक दिया ऊपर से, ठीक है, एकदम ओपन में और सामने भाई सब जिगल टू जिगल फाइट स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे भाई सब कुछ इस तरीके का सीन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको भाई सब यहाँ पे इतना सा एरिया ही कवर करना है। अगर बंदा भाई सब कवर से निकल के लॉन्ग जिगल भी मारता है, ठीक है, फिर भी भाई बंदा इतने से एरिया के बाहर नहीं जाएगा। यह चीज भाई सब अलग है कि बंदा जंप करके भी निकल सकता है, ठीक है, और क्राउच करके भी निकल सकता है। तो इसलिए भाई सब अगर सामने वाले कवर के पीछे बंदा हो, ठीक है, आप लोग को एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है, कि इतना सा ही एरिया भाई बंदा कवर करेगा, इससे ज्यादा भाई बंदा नहीं करेगा कवर। अब एक चीज तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है, अब मैं वो लोग आप लोगों को बताऊंगा अगर भाई बंदा कुछ इस तरीके से भाई कवर से बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है, तब भाई किस तरीके से उसको ट्रेस करना है। ये चीज करने के लिए एक दो पॉइंट भाई लोग मैं आप लोगों को बताऊंगा, साथ ही साथ एक छोटा सा ड्रिल बताऊंगा जिसे भाई आप लोगों को हमेशा याद में रखना है। अब सामने भाई साहब ये जो वॉल भाई आप देख रहे हो ये भाई 8 से 9 मीटर का है, ठीक है, और सामने वाला बंदा जितना भी जिगल मारे वो 8 से 9 मीटर का ही एरिया कवर करता है, इससे ज्यादा एरिया कवर नहीं कर पाता है। तो पूरा 9 मीटर आप लोगों को कवर करना नहीं है, ठीक है, आप लोगों को सिर्फ ये 3 पॉइंट कवर करना है। अब सामने वाला बंदा यहाँ से जिगल स्टार्ट करेगा, अब जाता रहेगा, अब इस वाले जगह पे आके भाई साहब बंदा अपना जिगल चेंज करने वाला है, ठीक है, अगर लेफ्ट जा रहा है तो राइट की तरफ आएगा, अगर राइट जा रहा है तो लेफ्ट की तरफ आएगा। तो भाई साहब इसलिए जितना सा एरिया भाई बंदा रन करता है, ठीक है, उससे ज्यादा आप लोगों को बंदा जहां पे अपना जिगल चेंज करता है उस वाले लोकेशन पे ध्यान देना है। इसलिए भाई साहब अगर कुछ इस तरीके से आप जिगल ट्रेसिंग का प्रैक्टिस करते हो तब भाई आप लोगों को इस वाले ड्रिल को भूल जाना है। करना क्या है, ये जो 3 टारगेट भाई आप यहाँ पे देख रहे हो इन तीनों टारगेट को भाई साहब आपको चूज करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से एक टारगेट पे फायर करो और दूसरे टारगेट पे अचानक से भाई अपने एम को शिफ्ट करो, क्योंकि देखो सामने वाला बंदा जब जिगल मारता है ना वो चीज भाई काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है, उसको ट्रेस करना भाई इतना आसान नहीं है, ठीक है,
इसलिए भाई जहां पे भाई बंदा अपना जिगल को चेंज करता है उस वाले एरिया को भाई आप लोगों को टारगेट करना है। और इस चीज के लिए भाई ये वाला ड्रिल आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है। अब देखो सारे बंदे ना आजकल कुछ अनएक्सपेक्टेड जिगल मार देता है, ठीक है, पता ही नहीं चलता आपको भाई मतलब बंदा कब लेफ्ट जाएगा कब राइट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए भाई ये वाला ड्रिल आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी यही देखो एक छोटे से वीडियो में आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से भाई साहब जिगल को ट्रेस करना है। और सबसे जो मेन चीज है ना वो जाता है भाई हमारा फोकस। अगर भाई साहब आप फोकस नहीं करोगे ना एम पे तब भाई कुछ भी नहीं होने वाला आपका। चाहे भाई आप जितना मर्जी उतना ड्रिल क्यों ना कर लो भाई फोकस जब तक ना करोगे ना भाई कुछ भी नहीं होगा। बाकी देखो भाई सब ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, जाके यहाँ पे अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, फॉलो भी कर देना। साथ ही साथ अभी तक अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो ब्लू हार्ट जरूर से स्पैम कर देना कमेंट में ताकि मेरे को पता चले अभी तक भाई आप लोग वीडियो को देख रहे हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। The red team leads with 30 seconds left.